नमस्ते दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब का नाम चेंज करके फेबिक्विक पंजाब रख देना चाहिए, क्योंकि इनके बोलर्स जिस तरीके से दो बैट्समैन के पार्टनरशिप को जोड़ कर रखते हैं वो काबिले तारीफ है। खैर, मूव करते हैं आज के मैच की ओर, जहां पर राजस्थान रॉयल्स भिड़ने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ। तो चलिए फटाफट से आज के नाले से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से प्लेयर्स को आप ड्रीम इलेवन पर सिलेक्ट कर सकते हैं और किनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग लाइनअप की ओर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबिन ओथप्पा सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, वहीं पे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वो है जॉस बटलर का। इनका एवरेज स्ट्राइक रेट हो जाता है 126.57। स्ट्रॉन्ग जोन की बात करें तो इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। वहीं पे अगर वीक जोन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, परफॉर्म करिए। ड्रीम इलेवन पर आज आप विकेट कीपर पिक कर सकते हैं संजू सैमसन, जॉस बटलर। ऑलराउंडर आप पिक कर रहे हैं राहुल तेवटिया फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। दिल्ली कैपिटल्स की ओर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिखर धवन सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, वहीं पे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वो है ऋषभ पंत का। इनका एवरेज स्ट्राइक रेट हो जाता है 131.05। स्ट्रॉन्ग जोन की बात करें तो इनका बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही अच्छा है। वहीं पे अगर वीक जोन की बात करें तो शिमरन हेटमायर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और थोड़ा सा। 11 पर आज आप पिक कर रहे हैं विकेट कीपर ऋषभ पंत, बैट्समैन पिक कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर आप पिक कर रहे हैं मार्कस स्टॉइनिस फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। अब कंपेयर करते हैं दोनों के बॉलिंग लाइनअप को, तो दिल्ली के पास पेस अटैक में है कगिसो रबाडा, नॉटिया, हर्षल पटेल। राजस्थान रॉयल्स के पास है जोफ्रा आर्चर, टॉम करन, अनिकेत राजपूत, कार्तिक त्यागी भी यहां पर ऐड हो गए हैं अभी इनके लिस्ट में। ओवरऑल बात करें बॉलिंग लाइनअप की तो दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। देखते हैं कौन से बॉलर से करियर आज खत्म होने वाला है और कौन से बॉलर थोड़े बहुत विकेट लेने वाले हैं, क्योंकि शारजा में मैच हो रहा है, बॉलिंग मशीन से ही करना ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर। यहाँ पे आप देखिए लेग ब्रेक के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, वहीं पे सबसे कम हो जाता है राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, इंडिविजुअल प्लेयर एनालिसिस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है लेग ब्रेक के अगेंस्ट, वहीं पे सबसे कम हो जाता है राइट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट। कार्तिक त्यागी इनको डिसीव कर सकते हैं सही तरीके से अगर इनको यूज किया गया तो। ऋषभ पंत की ओर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो जाता है लेफ्ट आर्म फास्ट के अगेंस्ट, वहीं पे सबसे कम हो जाता है स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अगेंस्ट। टॉम करन इफेक्टिव हो सकते हैं इनके अगेंस्ट अगर उनको भी सही तरीके से बॉलिंग कराया जाए। तीसरे नंबर पर है मार्कस स्टॉइनिस, इनका परफॉर्मेंस आप देखिए सबसे ज्यादा हो जाता है राइट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट, वहीं पे सबसे कम हो जाता है लेफ्ट आर्म मीडियम के अगेंस्ट। जोफ्रा आर्चर डेथ ओवर में इनके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेंगे देखने लायक होगा। मूव करते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स की ओर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीवन स्मिथ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हो जाता है इनका स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अगेंस्ट, वहीं पे सबसे कम हो जाता है लेग ब्रेक गुगली के अगेंस्ट। हर्षल पटेल मुझे लगता है इनको डिसीव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जॉस बटलर, इनका परफॉर्मेंस आप देखिए सबसे ज्यादा हो जाता है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट, वहीं पे सबसे कम हो जाता है लेग ब्रेक के अगेंस्ट। कगिसो रबाडा एंड जॉस बटलर, इन दोनों का बैटल देखने लायक होगा आज। लिस्ट में आखिरी नंबर पर है संजू सैमसन, इनका परफॉर्मेंस आप देखिए सबसे ज्यादा हो जाता है राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट, सबसे कम हो जाता है लेफ्ट आर्म फास्ट के अगेंस्ट। नॉटिया इनके अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, तीखा बाउंसर है उनके पास तो वो यूज कर सकते हैं संजू सैमसन के अगेंस्ट। ये है आज की टीम, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं पे भी ड्रीम 11, माई 11, सर्कल, एमपीएल कहीं पे भी खेलिए। तो ये थी आज के एनालिसिस, फटाफट से जाइए और ड्रीम 11 या फिर कोई भी फैंटेसी लीग पर अपना टीम सिलेक्ट कीजिए इस डेटा को यूज करके। रही बात प्रेडिक्शन की तो दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत सकते हैं। अगेन आप सबसे कहना चाहता हूं यहां पर जो भी प्रेडिक्शन होती है वो डेटा के बेसिस पर होती है, तो इस पे कंप्लीटली रिलाय करना सही नहीं रहेगा क्योंकि फील्ड पर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगर अगली वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो।